पानी वानी के अंदर जाने की वजह से ना मेरे ख्याल से इसकी टोटल बॉडी, पर यार अपनी बाइक को ना इस हालत में देख के बहुत ही बेकार लग रहा है। कलर में भी फर्क है, टोटल बॉडी खराब हो रही है। ये है हमारा फ्यूल फिल्टर और जो कि आप देख सकते हो पूरा काला हो चुका है। मतलब ये छोटा सा पार्ट भी दिक्कत दे सकता है आपको लंबे राइड पर। जी टू से राइड सबसे पहले ले करा था मेरी रॉयल एनफील्ड पे। मतलब हम तो उस टाइम पे फायदा भी नहीं होता जब से ये बाइक चला रहे हैं भाई। मेरे फैमिली में मेरी डॉटर, उसके इन लॉ सब, हम हस्बैंड वाइफ सब राइडर हैं। अब भगाएंगे इसको, बाइक भाग रही है। मजा आ गया भाई। टोटल बॉडी क्लीन हुई है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है। यहाँ पे आप सोचोगे मेरे कॉस्टिंग कितनी आई, तो अगर आप बजाज से करवाते हो तो भाइयों अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:57 और बस मैं निकल गया हूँ। अभी आप सोच रहोगे कहाँ निकल गया भैया, अभी तो ये वादियों में घूम रहा था अभी कुछ टाइम तक। तो भाइयों दिल्ली में आ चुका था मनाली के बाद। अगर आपने जांस्कार वाली सीरीज़ नहीं देखी तो यार जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जांस्कार की पूरी सीरीज़ पता लग जाएगी कि भाई कैसा रहा हमारा जांस्कार का ट्रिप। भाई बहुत एडवेंचरस था। और चल रुक, वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम राइड्स में से एक था। और अभी मैं द्वारका हूँ, अभी आफ्टर सर्विस जो भाई ट्रिप के बाद होती है वो मैं कराने जा रहा हूँ अपनी बाइक के अंदर। आपको पता ही है कि भाई वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी बाइक ने मेरे साथ क्या क्या धोखे धड़ी करी भाई, जहाँ पानी के अंदर इतनी बंद हुई भैया, वो सब तो आपने देखी होगी। तो वो जो पानी के अंदर जो मेरी एक बार बाइक गिरी थी ना, उसके अंदर मुझे एक मेरे ख्याल से ना उसके इंजन में शायद पानी चला गया, और थोड़ा सा पानी जाने से भी यार दिक्कत हो जाती है। तो बाइक में पता है वैसे चलने में एज सच कुछ इशू आ नहीं रहा, बट यह है कि पावर ड्रॉप रहता है। मतलब अगर आप नॉर्मल प्लेन रोड पे चला रहे हो तो आपको नहीं पता लगेगा इतना पावर ड्रॉप, लेकिन ना जैसे ही आप पहाड़ों पे जा रहे हो या थोड़ी सी ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो उस टाइम पर आपको पावर ड्रॉप लगेगा। इवन दो 400 cc मैंने जब स्टार्टिंग में ली थी भाई, इसमें ऐसी ख़तरनाक पावर थी कि देख के ही थोड़ा सा डर सा लगता था कि भाई इसको संभल के चलाओ भाई, बहुत पावरफुल है। पर लेकिन अब वो पावर फील नहीं हो रही। तो मैंने अभी बीच में चेकअप करवा के आया था बाइक का, तो उन्होंने बताया था कि इसमें थ्रोटल बॉडी एक बार क्लीन करवा लो, आई गेस थ्रोटल बॉडी में भी इशू है और टैंक क्लीन वगैरह होगा। तो मैं सर्विस ही जा रहा हूँ, लेकिन दूसरे सर्विस सेंटर जा रहा हूँ। पहले जो मैं करवाता था आज मैं वहाँ नहीं जा रहा, आज JSB करके सर्विस सेंटर है पालम की साइड ही, जहाँ पर मैं पुराना सर्विस सेंटर था उसके नियर बाय खुला है एक न्यू सर्विस सेंटर JSB करके, मतलब बजाज का ही ऑथोराइज। तो वहीं पे जा रहा हूँ, देखते हैं यार वहाँ के कैसे रिव्यू हैं, क्योंकि बाइक मैंने वहीं पे चेक कराई थी लास्ट ना, तो उन्होंने बताया था कि थ्रोटल बॉडी का इशू हो सकता है इसमें, क्योंकि बाइक में क्या है कि सांस में से आप इनहेल करते हो तो एकदम ना सांस प्रॉपर आती है, आवाज़ भी साफ़ आती है, तो इसकी आवाज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट सी लग रही है। ट्रैफिक तो भैया ट्रैफिक की है, और बस ये हमारा तिरंगा झंडा भैया लहराता हुआ। बट यार एक ना दिक्कत जो हमेशा से आ रही है बाइक में वो है बैटरी की, तो कभी टाइम निकाल के बैटरी का भी काम करवा के आऊँगा। और गर्मी बहुत है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक भाई बहुत गंदी, दिल्ली में ह्यूमिडिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा लग रहा है सफोकेशन वाली गर्मी ऐसे हो गई है गंदी वाली कि आप बाहर निकलोगे ना, जस्ट आप AC पंखे से बाहर निकले, बाहर निकलते आप पसीनों में लथपथ। JSB बजाज आज भीड़ तो नहीं है, और कैसे हो एक बार बाइक को देख लेना। एक बार बाइक चेक कर लेना, अभी भी वही दिक्कत आ रही है, अभी तो इससे भी पेट्रोल भी कमी है। हल्का घुटके भी चल रही है ना सांस में। टोटल बॉडी क्लीन करवा। A few hours later. Thank you.
खुल रही है हमारी बाइक का टैंक। ये रे भैया अपनी बाइक अंदर से पूरी गंदी गंदी मिट्टी हो रखी है। इसका ऊपर से फाइबर वाला पार्ट हटा दिया है। अभी इस फाइबर पार्ट हटाने के बाद नीचे टैंक वाला पोर्शन है। इसके नीचे एक एयर फिल्टर रहता है और उसके नीचे रहता है हमारा टोटल बॉडी। तो अभी देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है भाई। फिल्टर तो साफ है। हाँ लास्ट सर्विस में चेंज कराया था। ये आ गई है थ्रोटल बॉडी निकल के। कचरा देख रहा ना, कचरा देख, कचरा देख, ब्लैक हो गया पूरा। यहाँ से नहीं निकलेगा, वाइट हो जाएगी। ठीक है, अंदर कोने होने से हर जगह से। अभी तो ऐसे तो पता ही नहीं लग रहा निकलेगा। ये निकलेगा मगर ये जम गया है। अच्छा। ये पेट्रोल से साफ होगा। दिक्कत यही थी मतलब जो मेन थी। तो ये जो दिक्कत आ रही थी ना मेन, वो थ्रोटल बॉडी की आ रही थी। अभी तो यही लग रहा है, बस चीज़ दिक्कत रिजॉल्व हो जाए तभी पता लगेगा, नहीं तो भैया कष्ट हो जाएगा। पानी वानी के अंदर जाने की वजह से ना मेरे ख्याल से इसकी टोटल बॉडी मिट्टी विट्टी वो सब इसने पकड़ लिया। ये इधर इनका वेटिंग रूम है, यहाँ पे देखते हैं कितनी देर लगेगी अभी बाइक में। और पर यार अपनी बाइक को ना इस हालत में देख के बहुत ही बेकार लग रहा है। बट ये है कि ये ज़रूरी है भाई, अंदर का पार्ट ठीक रहेगा तभी तो बाहर से चमकाने का फ़ायदा होगा। वरना तो यह बाहर से तो जितनी मर्जी चमकती रहे, अंदर से ख़राब है तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। वैसे चिपक जाता है ना ये, हाथ पे आएगा नहीं। इसके लिए कोई केमिकल भी आता है शर्ट साफ करने का? हाँ वो आता है मगर हम उससे प्रॉपर क्लीन नहीं होता। अच्छा पेट्रोल से पूरा हो जाता है? ये ऑयली होता है। ये है ऑयल और दिखाना वो वाला। ये देखो दो अलग अलग फिल्टर्स हैं और ये देखो ये मैंने बाहर से करवाया था। अब ये देखो इस पर अगर आप हाथ लगाओगे तो इस हल्का सा ऑयल आ रहा है हाथ पर, शाइन सा मार रहा है। और ये है पूरा ड्राई, तो ये तो पूरा ड्राई है यार। ये तो आपका डस्ट अंदर जाने नहीं देगा। कलर में भी फर्क है, टोटल बॉडी खराब हो रही है। कलर में भी फर्क है, इधर से भी ऑयल। क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो, क्वालिटी में पता चल जाएगा। तो अब बाइक हो रही है भाई पैक धीरे धीरे। नीचे उसके पेच वगैरह लगा दिए। अभी हमारा टाइम हो रहा है 12:29, तो मतलब एक घंटे बाद हमारी सर्विस शुरू होती है और डेढ़ घंटा लगभग हमें बाइक को लग गया है। देखते हैं कितनी देर में अभी टैंक वगैरह लगता है और फिर एक बार चेक करके आएंगे। ये धूल मिट्टी भी साफ़ करवा लेंगे। और ये है हमारा फ्यूल फिल्टर और जो कि आप देख सकते हो पूरा काला हो चुका है। सर भी बाइक राइडर ही है और सर का भी थोड़ा सा इंट्रो में बताऊंगा। तो सर आपका नाम क्या है? संदीप, माय नेम इज संदीप। तो सर अभी क्या है, यूजुअली सर भी राइडर है और सर की अभी डोमिनार खड़ी है उधर ग्रीन कलर में ही सेम। और सर ऑलरेडी हमारे साथ मतलब अब तो जुड़ चुके हैं, लेकिन ये ऐसे ही राइडर्स मिलते हैं एक दूसरे से। दिस माय रिकमेंडेशन टू चेंज दिस फ्यूल फिल्टर इन ईच एंड एवरी सर्विस। ऑल राइडर्स प्लीज टेक केयर। तो यूजुअली क्या है, ये सर्विस में करते नहीं है क्योंकि बहुत लंबा काम है बाइक खोलना वोलना। टैंक उतारना पड़ता है डोमिनार के लिए स्पेशल। इसका एयर फिल्टर भी अंदर है, इसका सब कुछ मतलब अंदर पार्ट ही है, खुलेगा ही, अलग से कुछ नहीं लगता है। और ये आप देख सकते हो इसमें पूरा कचरा भर रहा है। हालांकि ये 100 रुपए की चीज़ है, लेकिन ये आपको अभी महंगी लग रही होगी। 106 रुपए का ये भैया भी आ गए। चालाक ब्रो, चालाक। जल्दी से बताने के लिए 106 रुपए का 100 रुपए का दिया। छोटा सा पार्ट है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये छोटा सा पार्ट भी दिक्कत दे सकता है आपको लंबे राइड पर। ये सबसे पहले दिक्कत देगा क्योंकि जो पेट्रोल हम पेट्रोल पंप से डलाते हैं उसका जो भी वेस्ट और कचरा होता है वो सबसे पहले यही रोकता है। आज नॉलेज वाली वीडियो हो जाएगी। हाँ, और इन्फॉर्मेटिव। बहुत ही अच्छा वाला ऑलरेडी फिल्टर्ड है
इसके अंदर एक फिल्टर है, आप बोलेंगे इसको, इसके अंदर एक गत्ते का फिल्टर है। अच्छा, जो सारा कुछ रोक कर प्योर पेट्रोल आपको देता है, तो ये जल्दी ब्लॉक होता है। अच्छा, तो मतलब इंजन प्रॉब्लम आता है। तो अभी इसका टेस्ट तो ये सब चीजें बदलने के बाद ही पता लगेगा कि क्या क्या ठीक होता है। सवाल बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, पिकअप भी, एवरेज भी, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद फील करेंगे। तो अभी इसमें चेंज हुआ है हमारा एयर फिल्टर, हमारा क्लीनिंग हुई है टोटल बॉडी की, फ्यूल फिल्टर, और अब और कुछ चेंज होने वाला तो नहीं है। नहीं, प्लग क्लीन हुआ है, स्पार्क प्लग हुआ है। हाँ, मैंने कराया अभी। अच्छा, स्पार्क क्लीन कराया है, प्लस उसके गैप को मेंटेन कराया है। अच्छा, तो यही है जब आप किसी नॉलेजेबल लोगों से मिलते हो जो बाइक का एंथुसियास्ट है। मैं 82 से राइडिंग कर रहा हूँ। तो हाँ, सर ने मेरे को बताया 82 से राइड कर रहा हूँ। सबसे पहले ले करा था मेरी रॉयल एनफील्ड पे, जो आर्मी वाली थी। मतलब हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं होता जब से ये बाइक चला रहे हैं भाई। तो मतलब मेरे फैमिली में मेरी डॉटर, उसके इन लॉ, सब हम हस्बैंड वाइफ सब राइडर हैं। भाई, मेरे बच्चे सब राइडर हैं, जनरेशन ही राइडर पैदा हुई है। क्या बात है, सेम कम्युनिटी के होते ना तो अच्छा लगता है मिलते हुए भी, और सेम नॉलेज मिलती है आगे। एग्जैक्टली, और इसको बांटो। तो अभी बाइक वापस से कपड़े पहनने वाली है, अब थोड़ी सी लगेगी अच्छा अच्छी, साफ हो चुकी है क्लियर, और अभी इस पर टैंक लग गया अपना। टैंक उतरने के बाद तो बिल्कुल ऐसे होगी नंगे पुंगे से, अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है। हो गया रेडी? हाँ जी सर। ये वाइब्रेट तो नहीं करता? नहीं नहीं, मेरा वो करता। अच्छा, चलो ओके सर, बाय बाय, मिलते हैं किसी राइड पे फिर से। श्योर, मैं कॉल करूंगा तेरे को। हाँ हाँ, डन डन। मैंने अभी भाई का कॉल था, भाई को बताया तेरे को। अच्छा अच्छा, थैंक यू। चलो ओके सलमान भाई, शुक्रिया यार, बढ़िया लगा। बस अब दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद यही है। तो भाइयों, अभी जस्ट चलते हैं हम घर की ओर और देखते हैं बाइक कैसे परफॉर्म करती है। बस धुलने के अलावा बाइक में ना अब सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। हालांकि मैंने अभी एयर फिल्टर बाहर से करवाया था, लेकिन मुझे नकली दे दिया गया, जिसकी मैंने अभी फ़ोटो खींच के भेजी, जिससे मैंने डलवाया था। क्योंकि उनको भी यार, जिनसे करवाया उनको भी आइडिया नहीं था कि यार ये फेक सामान दे देगा, उन्होंने भी किसी थर्ड पार्टी से लिया था। तो मैंने रिव्यू दे दिया, रिव्यू देना ज़रूरी है यार, क्योंकि आफ्टर ऑल हम नहीं चाहते जो दिक्कत हमारे साथ हो और वो किसी और बंदे के साथ भी हो, और नाम ख़राब होता है यार मार्केट में। उस टाइम पे मैंने चेक नहीं करा था एयर फिल्टर, चलने में फ़र्क तो पता लग रहा है भाई। मतलब थ्रोटल बॉडी से मेरे ख्याल से ऐसा हो गया है, क्लीन कराने के बाद बाइक अब थोड़ी भग रही है भाई, मतलब हल्के से एक्सीलरेशन पे। और ऑयल फिल्टर भी भाई हमने चेंज कराया ना, थ्रोटल बॉडी के ऊपर भी एक ऑयल फिल्टर लगता है, एक ऑयल फिल्टर ही बोलते हैं आई गेस। एक ऑयल फिल्टर होता है इंजन ऑयल के लिए फ़िल्टर लाता है, एक आता है ऑयल फिल्टर जो हमारा जो इसमें पेट्रोल डलवाते हैं उसके लिए ऑयल फिल्टर आता है। तो उस ऑयल फिल्टर के अंदर ना एक स्पंज सा टाइप का कुछ एक सब्सटेंस डला होता है, जिसकी वजह से ना जो आपका ऑयल है ना, जो आप बाहर से ऑयल डलवाते हो, उसमें ना कुछ मिक्सिंग रहती है जो कि आपको नहीं पता लगती। धूल मिट्टी, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे ना उस ऑयल फिल्टर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, और वो भी पूरा गंदा हो रखा था। आप बाइक चलाने में मज़ा आएगा, अभी थोड़ा खुला रोड होने दो। तब अभी मतलब बाइक का एक्सीलरेशन बहुत स्मूथ हो गया यार, मतलब हल्की सी करते ही बाइक भग रही है। और यहाँ पे आप सोचोगे मेरे कॉस्टिंग कितनी आई, तो अगर आप बजाज से करवाते हो है ना, अगर बजाज के ऑथराइज सेंटर से कराते हो आपको, तो अभी मेरे को जो खर्चा आया ना, टोटल बॉडी क्लीन हुई है, इसमें दो तीन काम बताता हूँ। टोटल बॉडी क्लीन हुई है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, एयर फिल्टर चेंज हुआ है, बस दो पार्ट हैं और एक चीज़ क्लीन हुई है। वो क्लीन होने के बाद आपने वीडियो में देखी है कितनी साफ़ सुथरी हो गई, चमक गई थी भाई बिल्कुल। लेकिन इनके पास केमिकल नहीं था, एक केमिकल आता है उसको साफ़ करने के लिए, इन्होंने लेकिन केमिकल से नहीं करा, इन्होंने डायरेक्ट साफ़ करा पेट्रोल से। पर ठीक है, साफ आफ्टर ऑल साफ़ होनी चाहिए यार, वो साफ़ हुई और उसका फ़र्क अभी दिख रहा है भाई। अब वो कह रहे हैं हर सर्विस पे आप ऑयल फिल्टर भी चेक करवा लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना चेक करते नहीं है सर्विस सेंटर में। पर यहाँ पे मैंने काम कराया तो उसकी कॉस्टिंग बताया था, उसकी कॉस्टिंग आई लगभग 669, मतलब 670 आप मान लो, 670 रुपीज़ में आपका टोटल बॉडी क्लीन हो गई। टोटल बॉडी के 300 रुपये थे, और 150 रुपये के आपके दोनों पार्ट्स आ गए, जिसमें आपका था एक ऑयल फिल्टर और एक एयर फिल्टर। पर बाहर से लगवाते इसलिए मैंने करवा ही लिया, मैंने कहा यार रिस्क क्या लेना, जब चीज़ मिल रही है तो करवा लेते हैं। और भाई
भाग रही है भाई। अब बाइक ना ऐसे लग रही है ऐसे न्यू लेके आया था ना, जब भाग रही थी भाई वैसी भाग रही है। अभी एक बार रोड टेस्ट करेंगे। तो खुला रोड अपने को यहाँ मिलता कहाँ है। अब बाइक में ना वापस से सांस आ गई हो, जो घुट घुट के चल रही थी ना, अब घुट तो नहीं रही है बाइक। अब इसमें टाइम सेट करना पड़ेगा यार। अभी टाइम हो रहा है 1:27, तो लगभग 1:30 बज रहे हैं। और मैं आया था इधर कितने बजे आया था, मैं इधर आया था 10 बजे, तो 11, 12, 1 3.5-4 घंटे लग गए भाई हमारी बाइक में। मतलब 1 घंटे तो वहाँ पे वेटिंग रूम में ही बैठ रहा। बाइक हल्की तो हो गई है भाई, पता नहीं क्यों मुझे बाइक हल्की लग रही है, शायद पहले ना ज़्यादा ही घुटके चल रही थी। अब भगाएंगे इसको। ओहो भाई साहब भाग रही है भाई, बाइक भाग रही है। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा बाइक चलाने में। वो ना मज़ा ख़त्म हो गया था बाइक में ना, टोटल बॉडी यार। अब मुझे लगता है कि हर सर्विस पे ही क्लीन करा लूँगा, जब जब सर्विस कराऊँगा तब तक बाइक खुलवा के टोटल बॉडी साफ़ करवा। लेकिन ना बताए एक डर सा बैठा रहता है कि जितनी बार वो नट खुलते हैं ना, उतना ज़्यादा वो नट के ना, मतलब आप बोल सकते हो वेयर टेयर होने के बाद नट की वो जो कैपेसिटी होती है ना होल्ड करने की, वो कम हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है वाइब्रेशन ज़्यादा मारते हैं, और इस बाइक में वाइब्रेशन तो है ही। जिसके पास ये बाइक हो ना उसको पता होगा वाइब्रेशन है इस बाइक में। बहुत डिफ़िकल्ट है, देखो रोड ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं भैया बिना देखे। सो भाइयों अभी जस्ट घर पे ही जाता हूँ, और अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। शायद थ्रॉटल बॉडी की अगर आपको डोमिनार में ज़रूरत पड़े तो आप करवा सकते हो ये वीडियो को रेफरेंस लेके, और ये जहाँ से मैंने कराया आप यहाँ से भी करवा सकते हो। अभी तो थम्सअप है भाई, बाकी आपको अगले वीडियो में पता लगेंगे कि कैसे रिव्यूज़ हैं। अगली वीडियोज़ कभी मैं ट्रैवलिंग के बनाऊँगा तो आपको रिव्यू ज़रूर दूँगा, लॉन्ग टर्म रिव्यू जो होता है। तो अभी बाइक मेरी 7 महीने के अंदर 14,000 किलोमीटर चला दी है मैंने, और सिर्फ टूरिंग करी है इस बाइक ने पहाड़ों पे, बिल्कुल 14,000 प्योर माउंटेन्स घूमी अपनी बाइक। इस बाइक ने अभी जांस्कार में बहुत कुछ देखा है, तो अभी इसको थोड़ा पैम्परिंग तो करनी बनती है ना इसको। हालांकि वॉश वगैरह मैं करवा चुका हूँ, सर्विस भी मैं पहले करवा चुका हूँ, बट अब फिर भी ये थोटल बॉडी वगैरह ये छोटा मोटा पार्ट्स का काम रह गया था, ये मैंने अभी कंप्लीट करा लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ट्रैवल में। दिस साइड एक्सप्लोर सारांश साइनिंग ऑफ।